हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में। म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, उसी मुद्दे पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिस पॉइंट्स की मदद से आप म्यूचुअल फंड के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिस्क होने के कारण स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं और वो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करना पसंद करते हैं। बट दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में जीरो रिस्क है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। तो हम आज के वीडियो में ये देख रहे हैं कि वो जो रिस्क है म्यूचुअल फंड में उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। हालांकि उस फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो खुद के लेवल पर, खुद के नॉलेज के बेसिस पर, खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसमें जो रिस्क होता है उस फंड में उसको कम करने की वो कोशिश करते हैं। बट एक निवेशक के तौर पे ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फंड में जो रिस्क है उसको कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि उस फंड के फंडामेंटल्स आपको चेक करना है। आपको ये देखना है कि वो पर्टिकुलर फंड टॉप सेक्टर्स की कंपनियों में पैसा लगाता है या नहीं लगाता है। उस फंड ने जो टॉप सेक्टर्स हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के, वो टॉप सेक्टर्स की कंपनियों में पैसा उस फंड का लगा हुआ होना चाहिए। तो आप ये चेक करें उस वो फंड टॉप सेक्टर्स की कंपनी में पैसा लगाता है या नहीं लगाता है। उसके बाद में दोस्तों, अगली चीज़ आपको ये देखना है कि रिस्कोमीटर देखना है। रिस्कोमीटर सेबी के मुताबिक अब सभी म्यूचुअल फंड को अपने फंड के साथ में एक रिस्कोमीटर दिखाना जरूरी है। उस रिस्कोमीटर में जो रिस्क देख रहा है, आप वो रिस्क देखिए और आप देखिए कि क्या आप उतना रिस्क ले सकते हो। वो फंड जितना रिस्क दिखा रहा है क्या उतना रिस्क आप ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो ही आप उस फंड में पैसा लगाओ, अगर नहीं ले सकते हो तो उस फंड में पैसा मत लगाओ आप। दोस्तों, उसके बाद में अगली चीज़ आपको यह करना है कि लॉन्ग टर्म रिटर्न चेक करना है। उस पर्टिकुलर फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न आप देखें, सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न देखकर उस फंड में निवेश नहीं कर देना। आपको शॉर्ट टर्म में भी आप 6 महीना साल भर का रिटर्न देख रहे हो, आप देख रहे हो कि बहुत अच्छा रिटर्न दिया उस फंड ने, 20% 25% लगा देता हूँ पैसा, ऐसा नहीं है। आप लॉन्ग टर्म रिटर्न चेक करो, पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिया है, 8 साल में क्या रिटर्न है, 10 साल में क्या रिटर्न है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के जब आप रिटर्न देखो, क्योंकि अल्टीमेटली हम म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाते हैं 1-2 साल के लिए नहीं लगाते, हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। म्यूचुअल फंड का निवेश ही कुछ वैसा होता है कि वो जब 5 साल 10 साल तक अगर म्यूचुअल फंड में पैसा रहे तभी मज़ा आता है, ठीक है। 1-2 साल में म्यूचुअल फंड तो रिकमेंडेड भी नहीं होता है निवेश के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखकर ही आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, अगली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको लार्ज कैप फंड में पैसा लगाना है। लार्ज कैप फंड में क्या होता है कि बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, लार्ज कैप कंपनियां होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मिड कैप वाली कंपनियां, स्मॉल कैप वाली कंपनियां, उसके मुताबिक कम रिस्क होता है, ठीक है। गिरते हुए मार्केट में क्या होता है कि मिड कैप जितना गिरता है, स्मॉल कैप जितना गिरता है, उसके मुताबिक लार्ज कैप बहुत कम गिरता है, ठीक है, गिरते हुए मार्केट में। और अगर गिर भी गया, लार्ज कैप अगर गिर भी गया गिरते हुए मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो वो जल्दी रिकवर भी हो जाता है, उसमें वो कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो कभी भी अगर कम रिस्क के लिहाज से देखा जाए तो लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखना है। इसके बाद में दोस्तों, अगला पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि NFO न्यू फंड ऑफर जो आते हैं, आपको NFO से बचना चाहिए। NFO में आप पैसा निवेश ना करें, क्योंकि NFO में क्या होता है कि कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। उस फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है क्योंकि नया फंड है, ठीक है। उसके बाद में उसकी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है पब्लिश नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि नया फंड है। तो वो फंड क्या करता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसकी पब्लिश नहीं होती है, ठीक है, पब्लिक नहीं रहती है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहती है। तो ऐसे में ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह, ठीक है, लैक ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड की वजह उस फंड से हमें बचना चाहिए, NFO से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो। तो ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है, थोड़ा बहुत ही रिस्क है, बट उस रिस्क को भी आप खत्म कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।